नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रंजना वेज फूड चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हुए एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बहुत ही अच्छा सा रेसिपी बना करके आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज हम दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करेंगे आंवला की रेसिपी, जो कि आंवला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे आँख के लिए और हमारे बाल के लिए। और आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है सेहत के लिए। आंवला हमें खाना चाहिए, उसकी रेसिपी भी बना करके और वैसे भी खाना चाहिए। और आंवला की ढेर सारी रेसिपी बनती है, तो आज मैं भी एक रेसिपी बना करके आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं वहाँ पर आई हूँ जहाँ पर आंवला का बगीचा है। तो यहाँ पर ढेर सारा आंवला का बगीचा है दोस्तों, और आंवला काफ़ी अच्छे से फरा भी है। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा कि मैं आंवला का क्या बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को आंवला दिखा देती हूँ और आंवला का पेड़ और किस तरीके से आंवला फरा है ये भी। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा ये फूल है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, पीला पीला सा। अब इसका हम नाम नहीं जानते ये कौन सा फूल है। तो देखिए दोस्तों एक पेड़ ये भी है आंवला का, देखिए ऊपर कितना अच्छे से फरा हुआ है। इसकी पत्तियां जो है झड़ चुकी है और आंवला ढेर सारा लगा हुआ है। तो यहाँ से पूरा आप लोग को जो पेड़ दिखाई पड़ रहा होगा सब ये आंवला का बगीचा है। तो ये सब आंवले का ही पेड़ है। तो देखिए आंवला जो पक गए हैं फिर भी गए हैं जमीन पर। तो देखिए दोस्तों आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए पेड़ में कितना ढेर सारा आंवला लगा हुआ है। तो पेड़ बहुत लंबे लंबे से है, तो काफी ऊंचाई पर ये आंवला फरा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को आंवला दिखा दिया हुआ है कि कितना ढेर सारा आंवला पेड़ में फरा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो यही रास्ते से हम लोग पढ़ने जाते थे। तो इस बगीचे में हम लोग आंवला बीनने जरूर आते थे। तो आज मैं फिर आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस समय मैं अपने मायके में ही हूँ। तो यहाँ पर आंवला मैंने सोचा चलिए वहाँ का मैं आंवला भी तोड़ लेती हूँ और उसकी रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आंवला तोड़ लेती हूँ। तो मैंने ये कटवासी लिया हुआ है, तो इसी से मैं आंवला को तोड़ूंगी, क्योंकि आंवला बहुत ही ऊपर ऊपर है दोस्तों, हम उसको हाथ से नहीं पाएंगे। तो हम टहनी को पकड़ करके ऐसे हिलाएंगे लगा से तो आंवला गिरेगा। दोस्तों काफी आंवला गिर गया है, मैंने कटवासी से पेड़ को टहनी को हिला दिया हुआ है, तो आंवले गिर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी आंवला गिरा लिया हुआ है, तो इनको मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों काफी आंवला ये जो है काफी अच्छे से पक चुका है। तो ऐसे ही हमको आंवला चाहिए था। इतना सारा आंवला ले लिया हुआ है, तो मैंने ऐसे ही लग्गा से हिला करके टहनियों को इतना सारा आंवला लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं घर पे। तो आंवला को लेकर के हम घर पर आ गए हैं। तो दोस्तों कल हमको शाम हो गई थी, क्योंकि हम काफी दूर गए थे आंवला लेने के लिए, तो हमें शाम हो गई थी। तो अभी हम आंवला का रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम घर पर आ गए हैं आंवला लेकर के। तो सबसे पहले मैं आंवला को धुलूंगी। लिया हुआ है तो सबसे पहले मैं आंवला को कोचूंगी। तो ये मैंने लिया हुआ है चाउमीन वाला चम्मच, जिसे चाउमीन खाया जाता है। इस तरीके का कोई भी नुकीला चीज आप ले सकते हैं। तो देखिए हम चाउमीन वाले चम्मच से आंवला को खोप ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, वरना ये हाथों में लग जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आराम आराम से बचा बचा करके हम ऐसे ही आंवला को खोप ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसमें का सारा पानी निकल जाएगा और जो सीड़ा होगा वो अंदर तक जाएगा, खाने में काफी मीठा आएगा और इसका जो कसैलापन है वो निकल जाएगा। तो देखिए आंवला को मैंने बहुत ही अच्छे से कोच लिया हुआ है। देखिए चारों तरफ से हमने इसको खोबा हुआ है दोस्तों, बहुत ही अंदर तक ही मैंने इसको कोचा हुआ है, एकदम बीच तक जा करके। तो बहुत ही अच्छे चारों तरफ से मैंने इसको खोप लिया हुआ है। तो इसमें का जो पानी है हम आप लोग को निचोड़ कर दिखाते हैं। देखिए इसमें से कितना पानी निकलेगा, देखिए कितना ढेर सारा पानी निकल रहा है इसमें से। तो ऐसे ही हम सभी आंवलों को कूचते जाएंगे और उसमें का पानी निकालते जाएंगे।
तो सभी आंवला को मैंने घोप लिया हुआ है। तो ये लास्ट वाला आंवला है, तो इसको भी मैंने अच्छे से घोप लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतना ढेर सारा पानी निकला हुआ है आंवले में से। तो सभी आंवला हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको घोपा हुआ है, देखिए काफी अंदर तक और चारों तरफ से घुमा घुमा करके। तो सबसे पहले मैं चूल्हा में आग जलाऊंगी। तो आप और देखिए दोस्तों, मैंने ईंट का चूल्हा बनाया हुआ है। आग मैंने जला लिया हुआ है, तो अब मैं चूल्हा पर रख देती हूँ कढ़ाई हुआ है। तो अब मैं आंवला को डालती हूँ कढ़ाई के अंदर। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और अब मैं डालती हूँ चीनी। तो चीनी डाल करके हम आंवला में अच्छे से मिला देंगे। तो पानी इसमें बहुत ही थोड़ा सा डाला हुआ है दोस्तों, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आंवला में खुद ही पानी होता है। तो देखिए धीरे धीरे हमारी जो चीनी है गलना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए मैंने कितना थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, और देखिए कितना ढेर सारा पानी हो गया है। तो ऐसे ही हम आंवला को पकाएंगे। तो भी देखिए कितना अच्छे से चीनी हमारा घुल गया है और हमारा आंवला पकना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से आग हमारी जल रही है और इधर ऊपर हमारा आंवला भी पक रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरी कृति सो रही थी और अभी जाग गई है, तो मैं इसको अपने साथ में ली हूँ। कृति इधर देखो, हाँ बोल दो। तो मेरी कृति मेरे साथ में बनवा रही है मुरब्बा, तो मेरी मदद कर रही है ये भी। बोल दो दोस्तों, दोस्तों बोल दो, कृति हाय कर दो। हाय दोस्तों, मैं अपनी मम्मी की मदद कर रही हूँ, बोलो। तो अभी खेल रही है। तो अभी देखिए दोस्तों, मेरी चाशनी बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहा है, तो मेरा मुरब्बा काफ़ी अच्छे से पक रहा है। जिसको एक बार मैं कलछुल से चला देती हूँ। तो आंवला का मुरब्बा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम कढ़ाई को उतार लेते हैं चूल्हा से नीचे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये मुरब्बा बनके तैयार हुआ है दोस्तों। आप लोग को मैं नजदीक से दिखा देती हूँ। तो आप लोग को मैं एक मुरब्बा निकाल करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये मुरब्बा बनके तैयार हुआ है। एकदम रस से भरा रसीला हमारा ये मुरब्बा बनके तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे से पका भी है दोस्तों। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये पका हुआ है। देखिए अंदर तक भी सीढ़ा गया हुआ है इसके, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक मुरब्बा मैंने आप लोग को फोड़कर दिखा दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छे से इसके अंदर तक सीढ़ा गया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये आंवला का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। तो इतना ढेर सारा मैंने मुरब्बा बनाया हुआ है। तो रस से भरा रसीला हमारा ये आंवला का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही जल्दी बहुत ही कम सामग्री में। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये मुरब्बा बना हुआ है दोस्तों, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत ही अच्छा हमारा, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह बना हुआ है, जैसे रसगुल्ला होता है वैसे ही हमारा ये आंवला का मुरब्बा बना हुआ है। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी दोस्तों, वो थी आंवला का मुरब्बा, जो कि मैंने ताजे आंवले से मुरब्बा बनाया हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरे वीडियो को दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग तरीके की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।